डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। अब अमेरिकी पुलिस गोलीबारी की एक और घटना की तफ्तीश में जुटी है। वीकेंड पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कैंप डेविड में छुट्टियां मना रहे थे, उसी समय देश में गोलीबारी की 3 घटनाएं हुईं और इन घटनाओं में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है जबकि 49 लोग घायल हुए हैं। ये सब तब हो रहा है जब पिछले महीने ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन वायलेंस को महामारी करार दिया था और देश के लिए नासूर बन चुके इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक टीम का गठन किया था। इसके बावजूद देश गोलीबारी जैसी महामारी से पीछा छुड़ाने में नाकाम साबित हो रहा है। न्यू जर्सी के कैमडेन में हाउस पार्टी में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और पुलिस के अनुसार कम से कम 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों समेत बाकी लोगों को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। इस पार्टी में सैकड़ों लोग मौजूद थे लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और घटना की वजह की जांच की जा रही है। इसके अलावा बीते दिनों में साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, ओहायो और मिनेसोटा में भी गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, जो अमेरिकी सिस्टम और बाइडेन सरकार की गन विरोधी कानून में बदलाव की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।